क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ अक्सर शांत रहते हैं। जीत हो या हार, उनके चेहरे पर हाव भाव ज्यादा नहीं बदलते। ना ही वो कभी ज्यादा गुस्सा होते हैं और ना ही कभी एक्साइटेड होते हैं। मगर भारत की बुरी हार पर राहुल द्रविड़ को भी गुस्सा आ गया और इस खराब प्रदर्शन पर राहुल ने टीम को फटकार भी लगाई है। राहुल द्रविड़ से मीडिया ने भारत के प्रदर्शन पर सवाल किया तो पहले राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए वर्ल्ड कप से पहले ये प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है, टीम से पूरे देश को बेहद उम्मीद है। द्रविड़ ने कहा, मैं समझता था कि इस बार भारत ही वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार है। विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, शिखर धवन, साथ ही साथ धोनी जैसा अनुभवी खिलाड़ी किसी भी टीम के पास नहीं है। मगर जिस तरह 92 रन पर पूरी टीम बिखर गई, उससे मेरी उम्मीदों को भी गहरा धक्का लगा है। मगर अब भारतीय टीम को और ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि टाइम कम है और वर्ल्ड कप बेहद नजदीक है, इसलिए अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा। द्रविड़ ने यहां पत्रकारों से कहा, इंग्लैंड में विकेट सपाट होंगे और इस विश्व कप में काफी रन बनेंगे। जब हम ए टीम को लेकर इंग्लैंड गए थे तो नियमित तौर पर 300 रन बनते थे और मुझे लगता है कि चौथे वनडे को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय टीम इस समय बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और खिताब की प्रबल दावेदार भी है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।